अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोबाइल रिपेयरिंग पर होगा। जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे कि आज हम जो है एक मोबाइल को ओके करेंगे। ठीक है, आपसे मैंने कहा था कि इस पे मेरी एक मोबाइल सीरीज भी स्टार्ट होगी, तो आज ये मेरी मोबाइल सीरीज़ का पहला लेक्चर है। आज हम जो फ़ोन ठीक करेंगे वो है कीपैड वाला एक चाइना का फ़ोन। इसका फॉल्ट ये है कि ये फ़ोन जब इसमें बैटरी को इनपुट करते हैं, जब बैटरी इसमें डालते हैं, तो इसकी जो टॉर्च लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, यानी कि फ़ोन शॉर्ट है। इस फ़ोन के अंदर SPD का CPU लगा हुआ है, SPD 6531D है। अब इसका जो हल था वो ये था कि इसको जब हम हीट देते हैं, इसका जब CPU हीट करते हैं, इसके CPU को जब हम अलाइन करते हैं, तो ये शॉर्टेज जो है, ये जो फॉल्ट है, जो टॉर्च ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, ये फॉल्ट ठीक हो जाता है, आरजी तौर पे ठीक होता है। फॉर एग्जांपल, एक दिन चलेगा, दो दिन चलेगा, लेकिन उसके बाद फिर यही मसला आ जाएगा। ये 110% गारंटी के साथ है कि जब आप इसको अलाइन करेंगे IC को या हीट देंगे IC को, तो ये फॉल्ट ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कुछ देर बाद दोबारा मसला कर जाएगा। ये मतलब परमानेंट फॉल्ट क्लियर नहीं होगा। तो इस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए मैंने CPU भी चेंज किया है। जब हम इसका CPU चेंज करते हैं तो ये फॉल्ट ठीक हो जाता है, लेकिन अब अगर CPU नहीं है आपके पास, तो इस फॉल्ट को फिर हम कैसे ठीक करें? तो उस फॉल्ट को ठीक करने के लिए मैंने इस पे काफ़ी टाइम लगाया, इस पे ट्रेसिंग की, तो उसका नतीजा ये निकला कि इसके अंदर मैंने एक माइक लगा दिया। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो टॉर्च लाइट है, इस टॉर्च लाइट के पॉजिटिव और नेगेटिव दो पॉइंट हैं। इस पॉजिटिव पे माइक का जो पॉजिटिव पॉइंट होगा वो लगा देना है, और नेगेटिव पॉइंट पे माइक का नेगेटिव लगा देना है। जब आप ये करेंगे तो इसकी शॉर्टेज ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आपका फ़ोन जो टॉर्च ऑटोमेटिकली ऑन कर रहा था वो फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। इस टाइम पे जितने भी कंपनीज के मॉडल्स आ रहे हैं जिसमें 6531D लगा हुआ है, उसमें ये फॉल्ट लाजमी है। चाहे वो कोई भी मॉडल हो, जिस बोर्ड के अंदर, PCB के अंदर 6531D CPU लगा हुआ है, उसके अंदर ये फॉल्ट है। तो इस फॉल्ट को क्लियर इस तरह मैंने किया है। ये बिल्कुल एक आसान तरीका है, विदाउट CPU चेंज, विदाउट इसमें जो है आप हीट दिए बगैर इसको जो है ना ओके कर सकते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो थी वो ये थी, ये बेसिक मेरी एक वीडियो का टॉपिक था। सो आज से मेरी सीरीज़ इंशाल्लाह स्टार्ट हो गई है। इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता आपको कीपैड के सारे फॉल्ट ट्रेस करके बताएंगे, और एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन, आईफोन, उनके भी इस तरह के फॉल्ट जो होंगे, जो विदाउट IC हम उसको ओके कर सकें, इंशाल्लाह उस पर ट्रेसिंग करके, मेहनत करके, आपको उसकी वीडियो भी जो है ना बना के चैनल पर अपलोड करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके। अब विदाउट IC चेंज किए ही तुम्हारे फॉल्ट को क्लियर कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लाइक के बटन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।